वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अभी भिलाई में सेक्टर 9 हॉस्पिटल के पास में। जल्दी जल्दी में आना पड़ा, सुबह उठा मैं लेट में और ट्रेन था मेरा 8:45 बजे बिलासपुर से, तो मैं सोचा कि बाइक से चला जाता हूं बिलासपुर, उसके बाद निकल लूँगा मैं ट्रेन से सीधा रायपुर। होते हुए भिलाई और एक फ्रेंड एडमिट था तो उससे मिलना था, तो एक्चुअल में हुआ क्या, फिर मैं निकल तो गया बट मेरे को फिर रियलाइज़ हुआ कि मैं पहुँच नहीं पाऊँगा बिलासपुर इतना जल्दी, तो फिर मैं ट्रेन को टिकट कैंसिल किया। उसके बाद फिर डिसाइड किया कि बाइक से मैं चलता हूँ करके, और जल्दी से काम हो जाएगा तो फिर जल्दी से वहाँ से निकल जाऊँगा। तो अभी पहुँचा हूँ जस्ट, अब फ्रेंड से मिल के निकलूँगा थोड़ा देर बाद, देखते हैं आगे क्या प्लान है उसी के अकॉर्डिंग। तो ये सेक्टर 9 का पार्किंग एरिया, अभी निःशुल्क है, क्या ठेकेदारी बंद हो गया यहाँ का, तो पार्क कहीं भी पार्क करो और जाओ अंदर में, अपना काम निपटाओ और आओ। और ये अपना कॉरिडोर हॉस्पिटल के अंदर का, यहाँ पर मैगी खाते थे हम लोग जब कॉलेज टाइम में थे, तो 30 या 40 रुपये प्लेट लगाता था, थोड़ा सा मैगी 5 रुपये का मैगी रहता था। सेक्टर 9 हॉस्पिटल में और ये सीढ़ी लेके ऊपर वाले फ्लोर में आए हैं, पीछे पूरा इवन है भाई, ये इवन वार्ड है, पूछना पड़ेगा इसमें। तो फ्रेंड से मिलना जुलना और हालचाल हो गया है, अभी मैं निकल रहा हूँ सेक्टर 9 हॉस्पिटल से बाहर। ये बीच का एरिया है, घूम घुमाऊ कहाँ कहाँ जाता है पता नहीं रास्ता, तो इधर से सामने से मेरे को राइट लेके। तो जस्ट अभी सेक्टर 9 हॉस्पिटल से निकला हूँ फ्रेंड से मिलके, और अभी लग रहा है भूख, बज रहा है 3, तो जाता हूँ बाहर में जस्ट कॉफ़ी हाउस है वहाँ कुछ नाश्ता पानी डोसा वोसा कर लेता हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं क्या प्लान है। फ्रेंड को मिलने बोला हूँ, शायद वो मिले तो कुछ और प्लान बनाएंगे फिर बिलासपुर। तो नाश्ता करने के बाद कॉफ़ी हाउस में मैं आ गया था सेक्टर 10 शांति बेकरी, यहाँ पर हम लोग क्या है शुरू से पेटीज और पेस्ट्री ये सब खाते थे, तो वही यादें ताज़ा करने के लिए मैं यहाँ आ गया था अंदर में। पेटिस कहाँ भैया? और जस्ट बगल में सत्यम बेकरी है, वहाँ से मैं ले लिया हूँ पापा के लिए बिना अंडे वाला केक, जो बिना अंडा नहीं खाते हैं तो उनके लिए बिना अंडे वाला केक ले लिया हूँ, जो कि 135 रुपीज़ का था। और अपने लिए ये बटर स्कॉच पेस्ट्री, और बहुत टेस्टी था ये पेस्ट्री, मज़ा आ गया खा के बहुत दिन बाद। सत्यम का पेस्ट्री बेस्ट पेस्ट्री है भाई। मैं हूँ बाहर में अपना शांति बेकरी और सत्यम बेकरी के लिए, सत्यम बेकरी के, और यहाँ आने के बाद थोड़ा सा मेमोरी रिवाइज हो जाता है, बहुत दिन बाद आया हूँ घूमते फिरते यहाँ पे, अच्छा लगा। तो खाया अपन वही पेटीज और पेस्ट्री अपना फेवरेट जो यहाँ पहले चलता था। अब जा रहा हूँ तो फ्रेंड से मिलता हूँ, फिर यहाँ से हो सके तो निकलूँगा। और यहाँ आने के बाद ना इतना अच्छा लगता है क्या बताऊँ, इतना पुराना टाइम याद आ जाता है। तो घूमते फिरते मेरा मोबाइल का बैटरी हो गया था डाउन, डाटा वाटा यूज़ करते और फ़ोटो क्लिक करते वीडियो बनाते, तो मैं आ गया शॉप में और एक पावर बैंक ले लिया जो कि पेट्रोनिक्स कंपनी का था, उसका अनबॉक्सिंग कर रहा है भाई अपना। तो ये 10,000 mAh का पेट्रोनिक्स का अपना वो पावर बैंक है, जो कि बहुत कम्फर्टेबल है और कैरी करने के लिए ईजी है, छोटा सा पावर बैंक है और मेरा दोनों फ़ोन चार्ज हो जाता है इससे। कल ट्राई करके देखा, टेस्ट करके देखा तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। सीधा अभी है हम लोग जयंती स्टेडियम वाले रोड में, और इधर से एक राउंड मार के ये नया गार्डन खुला है, शहीद कौन सा गार्डन है, आगे वाला शहीद भगत सिंह वाला गार्डन है, अंदर में रात को लाइट शो और वो वाटर शो होता है मस्त, एक बार आया था 2-3 साल पहले यहाँ, शहीद उद्यान 3D लेजर शो होता है। बस भाई घूमना फिरना हो गया, अब निकलते हैं घर, देखते हैं धीरे से यहाँ से कितना टाइम लगता है बिलासपुर जाने में। दिन भर घूमने फिरने के बाद भूख लगा, तो मैं और मेरा फ्रेंड आ गए भाई अभी ब्लू डायमंड होटल, जो कि सिविक सेंटर भिलाई में है,
और बहुत अच्छा होटल है। फर्स्ट लुक में तो बहुत अच्छा लगा मुझे, और यहाँ का खाना भी अच्छा था। यहाँ पेमेंट के लिए सबके चेयर के पास ही बारकोड लगा दिए हैं जो कि अच्छा है। और ऑर्डर किए थे हम लोग पनीर राइस, तो ये है पनीर राइस अपना, जो कि बढ़िया था, थोड़ा टेस्टी था। मुझे उतना अच्छा तो नहीं लगा, पर ठीक था, खाने लायक था। तो लगभग मैं निकला था भिलाई से, कुछ टाइम हो गया था, 9:15 हो गया था निकलते निकलते। तो अभी मैं पहुंचा हूं आपका, ये लगभग रायपुर से 20 या 24 किलोमीटर लगभग पड़ता है। ये अमर जवान पेट्रोल पंप है, पूरा तिरंगा झंडा बना हुआ है पीछे में, शहीदों के नाम पे है ये, डेडिकेटेड है आपका पेट्रोल पंप। और यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर और पड़ेगा अपना बिलासपुर। तो जाए देखता हूँ, जाता हूँ, लगता है कितना टाइम लगता है। रात ज़्यादा हो गया इसे पेट्रोल पंप पे गाड़ी रोक के वीडियो शूट कर रहा हूँ, हाईवे में कभी गाड़ी रोकना नहीं चाहिए। तो ये अमर जवान, पेट्रोल तो है गाड़ी में, डलवाने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट अब बिलासपुर में देखते हैं कितने पे बिलासपुर पहुँचता हूँ मैं। इंडियन ऑयल डेडिकेटेड टू अमर जवान, जितने शहीद वहीद हुए हैं लोग सरहद पे या कहीं भी, उन लोगों को डेडिकेटेड है ये पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल का। टाटी वन से लगभग ये 24 किलोमीटर पड़ता है यहाँ रायपुर बिलासपुर रोड में। तो निकलता हूँ यहाँ से अब 14313, देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं बिलासपुर। क्या टेक्नोलॉजी है बोले इसमें? एक्टिव, इसलिए 3 रुपये महंगा है। और ये 2 ही है शायद इस रोड में ना, रिलायंस का महंगा रहता है सर, दूसरे पेट्रोल पंप से रिलायंस का महंगा ही रहता है। तो मेरे को लगा था कि मैं पहुंच जाऊंगा, पेट्रोल मेरे में सफिशिएंट है, बट क्या हुआ एक्चुअली रास्ते में ना लग गया रिजर्व। तो अभी मैं पहुंचा हूं समवेयर बिटवीन, नहीं पता रास्ता कहाँ है, क्या है बिलासपुर में, बिलासपुर से रायपुर के बीच में कुछ है रास्ता भी, यहाँ से कुछ 40-43 किलोमीटर बचा है बिलासपुर आना। और ये जियो का पेट्रोल पम्प है, दिखाता हूँ एक मिनट जियो, और वहाँ भी लिखा है हुआ है जियो, ये जियो का ग्रीन ग्रीन है। तो इसका जो है ना मार्केट रेट से 3 रुपये महंगा ही रहता है, तो क्या पता भाई 5G स्पीड देता होगा पेट्रोल में भी, इसलिए शायद महंगा है, 3 रुपये महंगा है। तो 106 रुपये चल रहा है यहाँ पर रेट उसका। और जो इससे पहले पेट्रोल पंप पे रुका था मैं, वो था वीर जवान शहीदों के ऊपर था, वो क्या बोलते हैं पेट्रोल पंप जो डेडिकेटेड था वो वीर जवान लोग के ऊपर में डेडिकेटेड था। और उसका ये है कि जितना प्रॉफिट रेवेन्यू अर्न करते हैं वो लोग ईयरली, उसका पूरा पैसा उन लोग जाता है जो वीर जवान शहीद हुए रहते हैं उनके बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए, और लड़कियां होती हैं उनके शादी के लिए, पूरा पैसा वहीं पर जाता है। अगर और वैसे पेट्रोल पंप और होने चाहिए अपने, तो अभी एक ही पेट्रोल पंप है शायद इस रूट में, और बिलासपुर कोरबा हर जगह रहता तो आदमी वहाँ पर डलवाता और अपना कंट्रीब्यूशन देता उन लोग के लिए, शहीद वीर जवानों के लिए। तो अब हो गया बहुत, यहाँ से निकलते हैं, अब देखते हैं कितना बजे पहुँचता हूँ मैं। अभी तो बज रहा है 11, और ये पेट्रोल पंप रात को खुले रहता है ऐसा बताया भाई। तो अब तो वहाँ से अभी मैं पहुँचा हूँ भोजपुरी टोल प्लाज़ा, ये मेरा फेवरेट टोल प्लाज़ा है यहाँ इस रूट का, रायपुर बिलासपुर रूट का फेवरेट टोल प्लाज़ा है। और बड़ी गाड़ी को, मेरी गाड़ी को तो 75 समथिंग लगता है, बड़ी गाड़ी यहाँ जाती है। तो अभी बाइक में हूँ तो बाइक तो फ्री रहता है टोल प्लाज़ा में, और जहाँ से पेट्रोल रहा है तो वहाँ से ये यहाँ तक 25 किलोमीटर है। और मेरे को अभी और आगे जाना है, 20-25 किलोमीटर और आगे जाना है। तो भाई बहुत हो गया ब्लॉगिंग, आज के ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय टाटा, टेक केयर, गुड नाइट।